अरे हमारे पास 50 साइकिल है, हम काहे चोरी करेंगे? नहीं मिली तो आइडिया। चाचू अब उन अंग्रेजों को क्या जवाब देंगे जो कल 1 करोड़ में साइकिल खरीदने आने वाले थे? क्या 1 करोड़ में मेरी साइकिल बिकने वाली थी? उन्हें वो साइकिल ओल्ड म्यूजियम में रखनी थी और मुझे पता नहीं आपका सरप्राइज देने वाले थे। अब कल उनको क्या जवाब देंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो अब घर चलो, मैं पूरे शहर में नाकाबंदी करवा देती हूँ, चोर पकड़ा ही जाएगा, कल सुबह अंग्रेजों के आने तक साइकिल मिल ही जाएगी। 1 करोड़ की साइकिल? आ गए वो अंग्रेज, इससे पहले वो अंदर जाए उनको साइकिल बेच देते हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। यू भांट 100 ईयर ओल्ड साइकिल, एंटीक साइकिल? मेरे पास है दैट साइकिल। यस यस वी वांट। वेयर इज साइकिल? कम कम इधर कम। मिल गई। 2 करोड़ ओनली। 2 करोड़? 2 करोड़ है? डायरेक्ट डबल? रुक, मैं देती हूँ 2 करोड़। कानून के हाथ और बंदूक नी की लात से कोई न बच सके है। मुझे फंसाने की चाल थी, लेकिन लल्लन को पकड़ना इतना आसान नहीं। राम दुलारी। राम दुलारी, इन लोगों को सबक सिखा दो। मेरी साइकिल मिल गई। आओ आओ पकड़ो हमको। वाह भतीजे, तेरा आइडिया तो झटपट सटीक निशाने पर लगा है। इत जल्दी चलो, कुछ लोगों का पता चला है। जोगावर, इंतजाम तो बहुत मस्त किया रे तूने, एकदम झकास। ये बिलो तुम्हारे लिए। तुम सभी का गिफ्ट्स के लिए मेरी और रोजी की तरफ से थैंक यू। पक्किया, तूने कभी किसी को मोटरसाइकिल का बर्थडे मनाते देखा है क्या? अपने को क्या, गिफ्ट दो और खाना खाओ। अब बर्थडे मोटरसाइकिल का हो या साइकिल का, दे ताली। कौन है, हमने पहचाना नहीं? ओ, तुमने इनको नहीं पहचाना? ये है डाकू लातन देवी। हैं? डाकू लातन देवी? पहले तो कभी इनका नाम नहीं सुना। लातन देवी जुबान से नहीं लातों से बात करती हैं। समझ गया। लातन देवी। ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। अरे इतनी भी
क्या जल्दी है, बाद में खोल लेना। अभी सब चलकर केक काटो और चाय नाश्ता करो। वेलकम जी। आप तो बहुत लात चलाती है। मैंने कहा था ना, ये हर बात का जवाब लात से देती है। क्यों ना आप इन्हें अपने दोस्तों से मिलवाओ। क्यों नहीं, ये है मिस्टर डब्बू। ये बहुत ही खतरनाक पॉकेट मार है, किसी की भी जेब नहीं छोड़ता। अब बारी है मिस्टर डिगी की। ये बहुत ही बड़ा बैंक रॉबर है। गड्ढा बहुत में मिलूंगी, बाय बाय। पूरे शहर में एक तरफ टाइगर के कारण सबकी जान पर बनी है और दूसरी तरफ पता नहीं कौन चोरी पे चोरी किए जा रहा है। बंदूकनी जी, टाइगर के आने के बाद ही लूटपाट का सिलसिला शुरू हुआ है। इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। समझ नहीं आ रहा है मने, टाइगर के आने का वो चोर खूब फायदा उठा रहा है। लोग दुबके बैठे हैं कि कहीं टाइगर अटैक न कर दे और चोर हाथ साफ किए जा रहा है। पर बंदूकनी जी, ये भी तो हो सकता है कि टाइगर किसी का पालतू हो, चोर अपने टाइगर से सबको डरा कर चोरियां कर रहा हो, या फिर वो टाइगर ही नकली हो। ओए भतीजे, तेरी बात में तो दम है यार। ओए भतीजे का डाउट तो सही है, चोर कोई भी हो उसे पकड़ना तो जरूरी है। मेरे पास एक आइडिया है, अगर हम लोग टाइगर को पकड़ लें तो चोर खुद ही पकड़ में आ जाएगा। ओ जी फिकर नॉट, हो जाएगा। ओ बस अब तुम लोग सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। ओ भतीजे, मैं बताता हूँ क्या करना है। ये चाचा भी एक नंबर का डरपोक है। बड़ा मजा आ रहा है, आज तो इसको इतना डराऊंगा कि टाइगर की फोटो देखने से भी डरेगा। इसका ओए बचाओ, ओए भतीजे, ओए कुछ कर। भतीजे बचाओ, टाइगर ने मुझे किडनैप कर लिया है। डरपोक कहीं का, एक तो मेरी पीठ पर गिर गया, ऊपर से किडनैप हो गया, चिल्ला रहा है। चाचू, चाचू आप ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ भतीजे। मेरे पास प्लान है। ओए भतीजे की सोच और खोजी की खोज का कोई जवाब नहीं। आया, उसने केक चुराया। ये पेट मांगे मोर, मैं हूँ खाऊ चोर। बर्थडे केक, मैं आ रही हूँ। ओए भैंस की पूंछ, किधर गायब हो गया? चाचू आप किधर हैं? ओ मैं तो केक के डिब्बे में ही हूँ। वो तो पता है, लेकिन लोकेशन क्या है? आप लोग हमें दिख नहीं रहे। सॉरी, एक मिनट भतीजे, मुझे कुछ घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है। घंटियों की आवाज? इसका मतलब जरूर वो खाऊ वैन को किसी मंदिर के पास लेकर गया है। चल भतीजे। ये, ये। और रुक जा।
है खाऊ चोर? बोल बोल कहाँ है? बोल। कौन खाऊ चोर साहब जी? वो मैं किसी खाऊ चोर को नहीं जानता है साहब जी, मैं किसी को नहीं जानता है। अच्छा, मुझसे होशियारी करे है? है? कानून के हाथ और बंदूक की लात से कोई ना बच सके है। बंदूक नहीं जी, यहाँ कोई खाऊ चोर नहीं है, मंदिर में तो रिपेयर का काम चल रहा है। ओ मैडम जी, मैं रुकूं कि जाऊं? ए तू घूमता रहे। अच्छा ठीक है। बंदूकनी जी, लगता है पुजारी जी ठीक कह रहे हैं। देखिए मंदिर की घंटियां भी नीचे रखी हैं। जब ये बजेंगी ही नहीं तो चाचू ने सुना कैसे होगा? ओए ओए, अब रुक जा भैंस की पूछ, सारी जिंदगी घूमता रहेगा क्या? सॉरी पुजारी जी, चल भतीजे फिर से फोन लगा। हेलो चाचू, अच्छे से देख सुनकर बताओ कि इस समय आप कहाँ हो? ओ भतीजे, मुझे जगह मिल गई। सामने एक नीम का और एक बरगद का पेड़ भी है, वहाँ एक काला कौवा भी बैठा।